Lecture 11, program 22 numbers and add them. Lecture 10 और lecture 9 में हमने addition की थी, फिर subtraction की थी, लेकिन उन numbers की जो कि हमने registers के अंदर पहले ही रखे हुए थे. आज हम users input लेंगे, उनकी addition करेंगे. तो उसके लिए क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, accumulator register use करेंगे, क्योंकि वही input और output के लिए काम आता है. तो उसके लिए क्या करते हैं, हम accumulator register को 1 भेजते हैं सर्विस रूटीन, जिसका मतलब होता है इनपुट लेना. और जाहिर सी बात है, इनपुट कीबोर्ड से लेंगे, मतलब हार्डवेयर को एक्सेस करेंगे. माइक्रो प्रोसेसर को बोलेंगे भाई सब कुछ रोक दो, जाके हार्डवेयर से इनपुट लो. तो उस मतलब इंटरप्ट करेंगे, सब कुछ प्रोसेसर रुका देंगे. तो उसके लिए क्या करेंगे, इंटरप्ट 21H. अब क्या हुआ, सारा काम रुक गया, इंटरप्ट आ गया, जाके माइक्रो प्रोसेसर ने हार्डवेयर को एक्सेस किया, वहाँ से इनपुट लिया. तो ये दो एक इंस्ट्रक्शंस होती हैं एक कमांड के लिए, क्या, इनपुट लेने के लिए, जो कि मैंने आपको बताया था पहले. इनपुट लिया, एक इनपुट लिया, इसी तरह दूसरा इनपुट लेंगे, इंटरप्ट कॉल कर देंगे. अब क्या सीन हो रहा है, देखें, एक्यूमुलेटर रजिस्टर को हमने कहा कि इनपुट लो, मतलब यूजर किसको इनपुट देगा, एक्यूमुलेटर को. जब उसको देगा तो वो अपने पास रखेगा, कहाँ पे, एल के पास, जो कि मैंने आपको पहले बताया था. उसने अपने एल के पास रखा, ठीक है भाई, पहले वाले ने अपने एल के पास पहला इनपुट रख दिया. दूसरा वाला कहाँ रखेगा, जाहिर सी बात है वही एक रजिस्टर है, और वो अपने पास एल के पास ही दोबारा रखेगा. जब पहले उसने रखा हुआ है और दोबारा रखेगा तो ओवरराइट हो जाएगा, वैल्यू हमारी पहले वाली ख़राब हो जाएगी. अब हम क्या करें, तो जाहिर सी बात है पहले वाली वैल्यू को कहीं पर रखना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा. तो हम क्या करेंगे, पहले वैल्यू री इसको हमने सेव कर दिया बीएल के पास. हम यहाँ पे कोई भी जनरल पर्पस रजिस्टर यूज कर सकते हैं, सीएल भी कर सकते हैं, डीएल भी कर सकते हैं. हमने बीएल कर दिया, बीएल के पास पहले वाले एल की वैल्यू चली गई और ये सेव हो गया. अब हम दूसरा इनपुट लेंगे तो कोई मसला नहीं होगा. दूसरा इनपुट ले लिया, अब इन दोनों के एडिशन कर सकते हैं. एड लिखा और बीएल वा और दूसरे एल की, इन दोनों की एडिशन हो गई. अब क्या हो रहा है कि जब यूज़र इनपुट ले देगा, वन लिखा, तो वन का मतलब वन नहीं जा रहा, आस्की कोड जा रहा है. जब उसने वन लिखा तो उसका मतलब क्या था, क्या गया, 49 गया, इसका आस्की कोड. इनपुट में एज अ करेक्टर लेता है हमेशा, तो उसने 49 ले लिया. अब क्या करें, दूसरा इनपुट दिया 2, उसने 50 ले लिया. इन दोनों कंडीशन क्या आने चाहिए, 3. आस्की कोड 3 का क्या होता है, 51. लेकिन हमने जब इनपुट दिया 49 और दूसरा 50, इन दोनों की एडिशन क्या आएगी, 99. ये तो गड़बड़ हो गई. अब क्या करें, क्या करें, अब हम 99 से सबट्रैक्ट करेंगे 48. अब क्या जवाब आएगा, 51. और 51 किसका आस्की कोड होता है, 3 का. मतलब क्या हुआ, जब इनपुट देंगे तो इनपुट जो आएगा वो क्या होगा, आस्की कोड, और दो आस्की कोड की एडिशन बढ़ जाएगी. तो हम उससे 48 माइनस करेंगे तो असल आस्की कोड आएगा एडिशन का, जो मतलब एडिशन हो, सबट्रैक्शन हो, कुछ भी हो, जो रिजल्ट होगा उसका रियल आस्की कोड आएगा 48 अगर हमसे माइनस करते हैं तो. मतलब हम इसके बाद क्या लिखेंगे, सब बीएल कॉमा 48. अब हुआ, इनपुट लिया, बीएल के पास सेव कर दिया, दोबारा इनपुट लिया, एल के पास आ गया, पहले वाला बीएल, दोनों कंडीशन की, यहाँ पे 49 था, यहाँ पे 50 था, 50 यहाँ से उठ के यहाँ पे गया, 99 हुआ, 99 से हमने सबट्रैक्ट किया 48, तो हमारे पास 51 आ गया, मतलब 3 का आस्की कोड. अब हम इसको प्रिंट कर सकते हैं. तो इसका प्रोग्राम बनाते हैं, डॉस बॉस खोला, फिजिकल फोल्डर माउंट करेंगे वर्चुअली डॉस बॉस के अंदर. कैसे करते हैं, माउंट लिखते हैं, फिर जिस नाम से करना है तो हमने सी लिख दिया, और फिजिकल फोल्डर का पाथ जहाँ पर मेरा मेजम और लिंक पड़ा हुआ है, इंटर किया, माउंट हो गया, सी खोल लिया. अब हम नई फाइल बनानी है, तो हम बनाएंगे एडिट फाइल 7.asm. फाइल का नाम जो आप रखना चाहें रख सकते हैं, फाइल 7.asm. चले गए,
तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा काम होता है वो होता है प्रोग्राम स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना, ताकि हमारे प्रोग्राम स्ट्रक्चर में कोई गलती ना हो। जो कि मैंने आपको शुरू से लेके अब तक समझाता हुआ आया हूँ कि हमेशा पहले प्रोग्राम स्ट्रक्चर बनाया करें, ताकि आपके किसी भी स्ट्रक्चर में कोई गलती ना हो। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन स्टार्ट प्रोग्राम, जो इनपुट टू नंबर्स एट देम, उसके बाद डॉट सेट जो कि हमारे सेगमेंट्स को अरेंज करेगा, उसके बाद डॉट मॉडल स्मॉल जो कि हमारे कोड और डेटा का साइज लेस देन इक्वल टू 64 KB रखेगा, उसके बाद डॉट स्टैक 100H। अगर हम स्टैक मैनेजमेंट यूज़ करते हैं तो स्टैक यूज़ करते हैं, इसलिए हम ये लिखते हैं। उसके बाद डॉट डेटा जिसके अंदर वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, उसके बाद डॉट कोड जिसके अंदर हम अपना प्रोग्राम बनाते हैं, उसके बाद प्रोसीजर बनाते हैं, मैन प्रोक इस प्रोसीजर को एंड करते हैं, मैन एंड प्रोसीजर और प्रोग्राम को एंड करते हैं। प्रोसीजर हम बहुत सारे बना सकते हैं जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ये है कंप्लीट प्रोग्राम स्ट्रक्चर, इसके अंदर हम प्रोग्रामिंग करेंगे। किस चीज़ की, प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर्स एंड ऐड देम। तो पहले इनपुट लेंगे मूव AH1 इंटरप्ट 21H, मूव BL भेज दिया, इसके सेव कर दी, दोबारा इनपुट लिया मूव AL1 और इंटरप्ट कॉल कर दिया H। उसके बाद क्या करेंगे, जाहिर सी बात एडिशन करेंगे BL AL की, पहले वाला इनपुट लिया हमने सेव किया BL उसकी, और दूसरा इनपुट लिया जो AL के पास चला गया, उन दोनों की एडिशन कर दी। अब सबट्रैक्ट करेंगे BL से 48 ताकि हमारे पास रियल ASCII कोड आ जाए एडिशन का जो रिजल्ट आएगा। अब हम इसको प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट करने के लिए DL के पास भेजते हैं, क्योंकि DL ही डेटा रजिस्टर होता है जो कि डेटा होल्ड करता है आउटपुट जो आना है। तो हमने इसके पास BL भेज दिया, अब इसको प्रिंट करना है तो हम एक्यूमुलेटर को बोलेंगे टू, तो मूव AH2 फिर इंटरप्ट कॉल कर देंगे 21H, और बाहर रजिस्टर से वापसी निकलना है, रजिस्टर से एंड में हमेशा वापसी निकलते हैं, तो उसके लिए मूव AH4CH लिखते हैं जो कि मैं आपको अब तक समझाता हुआ आया हूँ। अब वापसी निकलना है तो इंटरप्ट कॉल कर दिया 21H, 4CH से वापसी निकल आया, इंटरप्ट कॉल कर दिया, आ गया। कुछ भी नहीं था प्रोग्राम के अंदर, क्या था, सिंपली हमने एक इनपुट लिया जो कि हमने BL के पास सेव कर दिया ताकि दूसरा वाला इनपुट इसके ऊपर ओवर राइट ना हो। तो AL के पास चला गया जो था इसका इनपुट लेने से, वो हमने BL के पास सेव कर दिया, दूसरा इनपुट लिया जो कि AL के पास चला गया। तो हम पहले वाले BL और AL की एडिशन करेंगे, तो जो नंबर यहाँ पे आएगा, जो नंबर यहाँ पे आएगा दरअसल उसके ASCII कोड आ रहे होंगे, इनपुट हमेशा ASCII कोड में आता है, तो इस वजह से हमने इनकी सब्ट्रैक्शन कर दी 48 से, ताकि जो रिजल्ट हो वो असल ASCII कोड आया उसका, जैसे मैंने यहाँ पर आपको समझाया था। फिर क्या हुआ कि हमने वो जो रिज़ल्ट आया DL BL के पास, वो हमने DL के पास भेज दिया ताकि हम उसको प्रिंट करें, क्योंकि प्रिंट करने का जो डेटा होता है वो हमेशा डेटा रजिस्टर के पास पड़ा होता है। एक्यूमुलेटर जब भी कोई चीज़ प्रिंट करता है तो हमेशा डेटा रजिस्टर के पास जाता है, जो भी पड़ा होता है प्रिंट कर देता है। तो हमने वहाँ पे BL भेज दिया, एक्यूमुलेटर को बोल दिया टू, इसका मतलब है प्रिंट कर दो जाके। तो ये यहाँ पे गया, क्या पड़ा होता है BL, इसने जाके प्रिंट कर दिया। अब रजिस्टर से वापसी निकलना कब तो है, तो हमने मूव AH4CH भेज दिया, 4CH 715 है जो कि वापसी आने में काम आता है। प्रोग्राम एंड हो गया, इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। सेव किया, एग्जिट किया, मेजम फाइल 7.asm सेमी कोलन कोई एरर नहीं, लिंक फाइल 7.obj कोई एरर नहीं, फाइल 7.exe इनपुट मांग रहा है 2 दिया, फिर दूसरा इनपुट मांग रहा है 3 दिया, 5 आंसर आ गया। कितना आसान सा प्रोग्राम था। थैंक यू एंड यस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।